फ्रेंड्स, तो आज मैं देखें क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट सी प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फिगर देख लेते हैं। इसने कहा कि ए बी सी राइट एंगल जो ट्राइंगल है तो कुछ इस तरह से फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए बी सी तो राइट एंगल ट्रायंगल सी में है, तो सी कह देंगे इसको, बी कह देंगे। ठीक है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन सी ए, एक पॉइंट है डी जो सी ए में है, ठीक है, और एक ई पॉइंट है जो सी बी में है। ठीक है, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल सी प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए से ई को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और डी से बी को ज्वाइन कर देते हैं। अब ये पता कैसे चला, क्योंकि इसने कहा था प्रूफ में बी डी स्क्वायर इसको चाहिए था, तो ऑब्वियस था बी से डी को ज्वाइन करना था। ठीक है, और ए ई भी चाहिए था, तो ए से ई को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आते हैं सीधे प्रूफ में आते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर चाहिए तो कौन से ट्राइंगल लेंगे, ए ई सी इन ट्राइंगल ए ई सी में ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही दूसरा हमको बी डी स्क्वायर चाहिए, बी डी तो कहाँ से देंगे, ट्राइंगल बी डी सी में इन ट्राइंगल बी डी सी में ये मिलेगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस का साइन चाहिए, ए प्लस बी डी, तो क्वेश्चन वन प्लस टू कर देंगे, तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर सेम, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको साथ लिख देता हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमको पता है राइट एंगल है, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या देगा, यहाँ से हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या देगा, हमको देगा डी ई स्क्वायर, लेकिन डी ई के लिए हमको एक बार इसको भी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमको डी ई भी चाहिए, तो हमने डी ई भी मिला लिया, तो हमको ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर मिल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आया ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट बी डी इक्वल टू 3 सी डी प्रूव दैट 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, आपको ए बी 2 ए बी स्क्वायर चाहिए और 2 ए सी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए बी स्क्वायर कहाँ से आएगा वो देखिए। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर मिलेगा मुझे, सीधे प्रूफ पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए डी बी में क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ऐसे ही ए सी स्क्वायर कहाँ से आएगा, इन ट्राइंगल ए सी डी से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को प्लस करें माइनस करें, इस बात का पता आपको क्या चलेगा कि ए सी स्क्वायर दोनों तरफ टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर है, यानी ए सी स्क्वायर इधर होता तो माइनस में आता, तो इट मीन्स ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बनता, तो आपको दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैंने कहा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर कैंसिल, क्या बना ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब बात आती है इसको इसके कन्वर्जन की। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर तो ठीक है, बी डी इक्वल टू थ्री सी डी दिया हुआ है, सी डी इक्वल टू बनाना है। तो इसके लिए एक बार आप इससे पहले काम करेंगे, ठीक है, इस प्रूफ को शुरू करने से पहले आपको ये काम होगा, कन्वर्जन करेंगे। बी डी इक्वल टू, देखो आप अगर पूरा बी सी को अगर आप ब्रेक करते हो तो आप क्या कह सकते हो, बी डी प्लस सी डी, और बी डी की जगह आप लिख दोगे थ्री सी डी प्लस सी डी, तो बनेगा फोर सी डी। तो सी डी इक्वल टू मिलेगा बी सी अपॉन फोर, ठीक है। और हम जानते हैं बी डी इक्वल टू कितना है, थ्री सी डी, तो सी डी की जगह क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन फोर। तो बी डी की जगह भी मिल गया हमको क्या, थ्री बी सी अपॉन फोर, और सी डी की जगह मिल गया बी सी अपॉन फोर। तो बी डी की जगह मैं रख दूंगा थ्री बी सी अपॉन फोर का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए था बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो और बी सी अपॉन फोर का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा नाइन बी सी स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन, ए टू जो सिक्सटीन, टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो टू ए बी स्क्वायर माइनस टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। नाउ टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही बात हमको प्रूफ करनी थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर बार आता है, या तो 14th आएगा या फिर 15th आएगा, दोनों दोनों में से एक क्वेश्चन तो हर साल आता है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लेंगे, ओके। ये बाकी क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।